अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं सुहेल इब्राहिम की आवाज, दिल की आवाज। जी सामईन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। और आज मैं जिक्र करना चाहूँगा, जी सामईन, हमें रिक्वेस्ट आई है अब्दुल गफ्फार यूसुफ जईद जमाली गोट कराची से, और उन्होंने फरमाइश की है उनके लिए कुछ शेयर हो जाए। जी बिल्कुल जनाब, तो उनके लिए शेयर है कि मेरा लहजा, मेरी बातें बहुत ही आम है, लेकिन मेरा लहजा, मेरी बातें बहुत ही आम है, लेकिन मेरा जज्बा पाक है, मेरी मोहब्बत खास है कौम से। जी बिल्कुल सामाइन, ये कौम से, ये मोहब्बत का जज्बा इनका इंतहाई खूबसूरत है। तो इनके लिए कुछ और हो जाए, सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, खैर छोड़ो अब इंसान लेते हैं। गुर्बत है रक्सा हमारी बस्ती में, बेच कर जिस्म लोग सामान लेते हैं। इस शेर मुनाफिक से तंग आ गया हूँ मैं, आओ किसी गांव में कच्चा मकान लेते हैं। हे बख्शीश जब तेरे इख्तियार में मौला, तो फिर क्यों लोग इम्तिहान लेते हैं। हाय 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 हाय, वाह वाह, क्या बात है जनाब अब्दुल गफ्फार यूसुफ जई साहब, आपकी इन्होंने ये फरमाइश की थी और हमें ये खूबसूरत से अशार भी भेजे थे कि इनके नाम के साथ जो है वो सामईन को सुनाए जाएं, सामईन को पेश किए जाएं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये डेडिकेशन, ये रिक्वेस्ट भी पसंद आई होगी। अब्दुल गफ्फार यूसुफ जई साहब के नाम बहुत सी दुआएं और बहुत सी नेक तमन्नाएं हैं हमारी। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें, और सामईन आप भी हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं कौमी इत्तेहाद के साथ। जी सामईन, आप भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें इसी तरह, और खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, और किसी का दिल मत तोड़िए, क्योंकि दिल होता है खुदा का घर। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और फरमाइश में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और सुनते रहिए सुहेल इब्राहिम की आवाज़, दिल की आवाज़।